उस जगह को गए सड़क पर, उस पर 8-10 जगह प्रोग्राम, तो वहां पर भी जाने में 3 बज गए आए, तो ये रास्ता हमको ठीक लगा, लेकिन उन्होंने रूट उधर को बना रखा था कि इधर को वापसी आएंगे। ऐसा ही उलझन पुलझा केस है किसानों का भाई, और जोड़दार नहीं है जुट कहीं जा। चलो अब कम से कम अब आगे अब 10 मिनट तो लगा लगे, अब आगे का प्रोग्राम तो दे लेगा ना, बताए धमका 12 बजे आऊंगे भाई अब रात को वहां से। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा, ना हताश होने की जरूरत है, ना हमने 28 तारीख में कुछ करा, वो तो सरकार का प्रोग्राम था कि किसानों को हताश कर दो, क्योंकि किसान मनोबल जल्दी तोड़ देगा भाई, थाने से कुछ हो गया, अरे कुछ नहीं करा हमने, हमारा इशू है 3 बिल वापसी हो जाए, MSP पे कानून बने, बिजली वाला है, पुराल वाला है, जो सीड बिल है, और जो सरकार और पॉलिसी लेकर आ रही है उस पर बातचीत करे, यही तो हमारे मामले हैं। गन्ने पे है, हरियाणा में है भाई, शुगर फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ जा, ये है हमारे सारे सवाल। इस पर उलझाने की एक कह लगा जी, एक धार्मिक वो लगा दिया वहां पर, उस पर तुमने बहुत बड़ा वो कर दिया, अरे कोई हम किले पे किसानों ने वो करके कब्जा कर लिया किले पे, और सरकार हमारी आ गई, हम अब सब जीतते हैं करेंगे, उसका क्या मतलब हमारा? हमारा मतलब है कि जो सरकार ने बिल बनाए हैं उन बिलों को वापसी ले लो। ऐसी जगह गोदाम बना दिए, अरे रुक जाओ, ये स्टेज वाले नहीं मान रहे, और तो मान रहे, पब्लिक मान रही, स्टेज नहीं मान रहा, क्या मामला, कौन कौन है, ये कहाँ के हैं, कौन कौन है इनकी तलाश करो। देखो वे कटीले तार लगा रहे, उस पे कील गाड़ रहे, वो कील जो जहां पे अनाज बंद होगा वो अनाज के चारों तरफ लगेगी, भूख आदमी को कितनी लगेगी, भूख के आधार पे कीमतें देश में अनाज की तय होगी, जो मजदूर आदमी है हमारा, जो भूमिहीन किसान है वो बर्बाद होगा, जिसको अनाज रोटी आटा खरीदना है वो बर्बाद होगा, जो शहरों में हमारे लोग रह रहे वे बर्बाद होंगे। किसान को तो अपनी चलो कीमत है, तो उस कंज्यूमर का है जिसको आटा, बाजरे का आटा आप सोच सको यहाँ पे 11 रुपए किलो बिक रहा, वहां दिल्ली के मॉल में 120 से 160 रुपए किलो बिक रहा, कोई मान जाएगा? मतलब 130 रुपए किलो बाजरे का आटा और हमारे से 11 रुपए किलो, इनका इसकी दिल्ली की तो कील काट देंगे, एकाएका कील काट देंगे दिल्ली, फिर कहेंगे तुमने दिल्ली कील काटने की बात करी, यहाँ काट दी भाई, जो तुमने कील काट दी, एकाएका कील दिल्ली की काट के बिना आने गए नहीं हम, काटेंगे कील। अपने आंदोलन को मजबूत रखो, दिल्ली पे निगाह रखो, एक निगाह रखो अपने खेत पर, एक रखो दिल्ली के आंदोलन पे, ठीक है, वहां पे संख्या बढ़ाना कम हो, और उनको क्या सप्लाई है, देखो हरियाणा जितना मजबूत है ना, और जिस तरह से हरियाणा हर चीज में मदद करता है, वो चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, या उससे पहले जो शासक यहाँ पर आए आक्रमण कर रहे उनका इलाज करना हो, तो जो खाप पंचायत सिस्टम हमारा यहाँ पे है, हरियाणा ये उत्तर प्रदेश वाली बैंड, और जो पंजाब के लोग आपका साथ में आए, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं, इनकी ऐसी कोड़ी भरकर आखना सरदारों की, ये ठियेबंदी तो अभी का मिली। देखो हमारे पास सब कुछ था, हम अनाज गांव में इकट्ठा करके दे आएंगे, दाल दे आएंगे, लस्सी दे आएंगे, जो ठियेबंदी थी ना, जो लंगर भंडारा चलाने की हमारे पास या नहीं थी, ये आपका बहुत बढ़िया मिल गई, इन्हें किसी कीमत में नहीं छोड़ना, या नहीं छोड़नी, ये सरकार तोड़ने की कोशिश करेगी, इनसे बच के रहना बस, इन्हें सरदारों की ऐसी कोड़ी भर लो कि इन्हें नहीं छोड़ना, ये आंदोलन 800 किलोमीटर दूर भी चलेंगे ना, तो ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के साधन बन गए, इसमें जी लगेगा आंदोलन करने जब जा करेंगे ना, वहां पे सब अपना जोड़ दिया चलो, ये तो पता करे भी ना हो नहीं, कहां जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश में जरूरत, चलो क्या दिक्कत है, 1000 किलोमीटर दूर है, 5 दिन में चले जाएंगे। हाँ ये बनाकर रखना, अभी से गठबंधन को ना तोड़ियो, सरकार का तो इलाज हो गया, उसका तो चारों तरफ से दिल्ली को बांध रखा, अरे कर ले तो, अरे इनका प्रेस वालों का भी बहुत सहयोग है, इनके ऊपर भी कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, इनकी भी मजबूरी है, जितना ये लिख रहे लिख लेने दो, आप एक चीज समझ लेना,
ये अगर आपके खिलाफत लिख कर तो ये समझना कि ये ठीक लिख रहे, बस उल्टा समझना बात। आप कुछ ही लिखो भाई, आपका तो धन्यवाद है, आप कुछ ही लिखो, हमारे गांव के लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो भाई आपका सबका धन्यवाद, जो लंगर भंडारे चल रहे। बंगाल भी जा सकोगे? बंगाल भी। बंगाल अभी तो नहीं बढ़ा हमने बंगाल का प्रोग्राम, बढ़ाओ सरकार का। वो पूरे पूरे देश में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, आंध्र जा रहे हैं, और कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर निकले कर्नाटक में, बेंगलोर में आप अंदाजा कर सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रैक्टर से निकाल रहे। ये ट्रैक्टर ही इस आंदोलन की जान है, ट्रैक्टर। जैसे मिलिट्री की जान टैंक है, किसान का ट्रैक्टर है, खेत को बंजर जमीन को पाट तोड़ कर है, और इससे कम खर्चा है। लोग कहे जी तब तो इसे लड़ाई धागे में रैली करते थे, बस देर लगे थे, हमारा इलाज हो गया था। हमने आंदोलन को ट्रैक्टर से जोड़ा, कम खर्चा, डीजल अपना 5 लीटर गेर लो, ठक 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 कर कर अपना चलेगा। इनका क्या कुछ खर्चा, 50-20 आदमी बैठ गए, कुछ खर्चा ही नहीं। लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया किसान का ट्रैक्टर। अपने को बढ़िया मॉडिफाइड करो, ट्रोली पे जो इक्विपमेंट है उसको अपना रंग रूंग करवा कर रखो। अब अगला टारगेट ये भी रहेगा, हम गांवों में जाकर रहेंगे, जो बढ़िया रंग करेगा अपने खेत औजारों पे उसको देखने जाकर रहेंगे। गांवों में किसी भी काम में चले गए, ये देखेंगे किसने अपने खेत के औजार अच्छी जगह रख रखे, वे छाया में है, उन पे रंग बढ़िया है, उन पे बेकतरी तो नहीं है, तो ये सारी चीजें भी देखा करेंगे। गांव के लोग देखा करेंगे, जो हमारे बुड्ढे हैं वे देखा करेंगे, तो चला करेंगे भाई। अब वो जो प्रोग्राम हो करेंगे ना, ये भी हो करेंगे, जिस गांव में जाएंगे किसने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर रंग बढ़िया कर रखा, किसने अपने औजार ओस धूप से बचा के मकान के अंदर बरामदे में रख रखे, ये सारी चीजों की निगाह रखनी है हमें। खर्चा हमको कम करना है, नशे पत्ती से भी थोड़ा सा पीछा हटना पड़ेगा, आपस के जो झगड़े हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और आंदोलन पर निगाह रखो, दिक्कत कुछ नहीं है। 40 लोग की जो जत्थेबंदी हमारी है वो पूरी कमजोर कड़ी एक नहीं, उसमें ऐसा मजबूत तो गठबंधन मिला ही नहीं कभी, ऐसा नहीं मिला, ये मिल गया। और पूरे देश के किसानों को आंदोलन है, दिल्ली से पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, और ये लड़ाई जब तक बिल वापसी नहीं होने के, एमएसपी से कानून नहीं बने, और चीजों पर कमेटियां नहीं बनने की, भारत सरकार जब तक सम्मान रूप से समझौता नहीं करने की, जब तक हम वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अरे हर गुरुद्वारे का तो भाई, हाँ एक बार भाई स्टेज से थोड़ा नीचे हो जाओ, गुरुद्वारा तेग बहादुर सिंह सभा ग्राउंड वाले ऊपर प्रधान आके बाबा मीर सिंह वो आके मान सम्मान करेंगे। बाकी नीचे हो जाओ भाई, बाकी भाई सारे पसाड़े वाले सारे भाई हो, बाकियों को नीचे करो भाई, बाकियों को नीचे करो भाई। गुरुद्वारा ग्राउंडा से मान सम्मान करने के लिए बाबा मीर सिंह गुरुद्वारा के प्रधान वो ऊपर आए, बाकी भाई जगह छोड़ दे भाई, एक बार डोले भाई सारों को साइड में करो, साइड में करो भाई, आर्या जी एक बार साइड दे दो, बहन जी एक बार साइड दे दो, ग्रोंडा गुरुद्वारा से प्रधान बाबा मीर सिंह जी, ये हमारे जाट महासभा के प्रधान है जोगिंदर लाठर जी, एक बार आ जाओ भी गुरुद्वारे वाली टीम, ग्रोंडा गुरुद्वारा से बाबा मीर सिंह, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गांव बस्ताड़ा की टीम भी मान सम्मान करेगी, ताऊमा सिंह और बस्ताड़ा वाले भाई इसके बाद ग्रोंडा वाले पिछड़ देंगे, गांव बस्ताड़ा से, गांव कुटेल से सोनू भाई और कुटेल की भी टीम आई हुई है, गांव बस्ताड़ा वाले भाई ताऊमा सिंह जी और युवा साथी और गांव कुटेल वाले,